काफी दुख की खबर है। सो बाकी आप जिदा चढ़ती कला सी जी उ चढ़ती कला के रहना है। सो सारे मेरे भैन भरावान स्पैशली यूथ जिन्ना भी है, सो भी आप जत्ती अपन जिन्हें भी जथेबंदियां ने इन्होंने बड़े वधिया तरीके दे नाल पूरे प्लान सिरजे हुए ने। इन्ने शांतमई ढंग दे नाल बिना किसी नुकसान तो अपना यह संघर्ष चल रहा है, अंदोलन चल रहा है, किन्ने महीने हो गए। सो सरकार दे उत्ते पूरा पूरा दबाव है जी, तुसी हर रोज़ देखते हो। सो आपू उन्होंने जड़े प्रोग्राम बनाए हुए ने उन्होंने विचार अनुसार ही चलना चाहिए ताकि आप अपने हकों की प्राप्ति कर सकीए। सो मैं जो पहला भी आता जी आप इतने माहौल हैगा मैं यही कहता भी यह एक बड़ी अलौकिक दुनिया, कोई भी किसी भी देश का हुक्मरान मैं कहना जो सोचता हो यार मेरा देश जो वधिया किदां दा हो। सो मैं चाहना भी उस बंदे नूं इत्थे आना चाहिए, इत्थे आके देखे किसी दे विच देखो कोई धार्मिक लड़ाई नहीं हैगी, हर एक अलग अलग जातां दे लोग इत्थे आए हुए ने जी, एक दूजे दे नाल किन्ने प्यार दे नाल रह रहे ने। सो इत्थे एक कोई रब्बी शक्ति है जिदा ये सारिया चीज़ा चल रही ने। सो जिथे अजिहा भाईचारा हुंदा है अजिही इमानदारी हुंदी है वाहगुरु की मेहर उत्थे जरूर हुंदी है। सो आपां सारे जाणे ने प्यार दे नाल जोश नूं अपने रखना, पर नाल जिहड़े साडे बजुर्गों का होश है आपां ओह भी उन्होंने भी वह सिक्ख्या लेनी है। सो इस तरीके शांतमई ढंग के नाल आपां अपने इस महान अंदोलन नूं अगे लैके जाणा ताकि सरकार जिहड़े ये काले कानून लागू किए ने उन्हां नूं वापस लै ले ते जरूर आपां नूं फतेह मिलेगी, आपां जित दे नाल घरे वापस जावांगे। सो बस जी इन्ने कहना जी, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह।